आप लोग नेक्स्ट टाइम जब महाराष्ट्र है ना, गो टू दिस टू प्लेसेस. महाबलेश्वर आप लोग गए हो? नहीं, गो टू महाबलेश्वर, गो टू माथेरान. ठीक है, बोथ आर ब्यूटीफुल प्लेसेस, देयर हिल स्टेशंस. माथेरान एक ऐसा जगह है ना कि आप माथेरान आप गाड़ी लेके डायरेक्टली यू कांट रीच. मतलब आप पहाड़ चढ़ लोगे, उसके बाद एक पार्किंग होगा, पार्किंग के बाद से गाड़ी उधर रही, उसके बाद से यू हैव टू ट्रेक और टेक घोड़ा और यू नो. कितना लंबा ट्रेक है वो? इट टेक्स अराउंड 45 मिनट्स टू 1 आवर टू रीच द मेन सिटी. एंड वो जंगलों के थ्रू प्रॉपर पाथ बनाया गया है ट्रेकिंग के लिए. ऐसा नहीं कि जानवर वानवर होते हैं, अच्छा है, प्रॉपर है, लेकिन इट इज़ कम्प्लीटली डिसकनेक्टेड फ्रॉम द रियल वर्ल्ड. क्योंकि उधर आपको मतलब अगर आपको पेन पेंसिल चाहिए तो भी बहुत मुश्किल से मिलने वाला है, क्योंकि वहाँ पे जो स्कूल है एक ही है, लिमिटेड सामान आता है, और जो सामान आता है नीचे से ही आता है डायरेक्टली. उधर प्रोडक्शन के लिए कुछ नहीं है, हिल के ऊपर है. दैट प्लेस वी हैव सीन के माथेरान हैज सम ऑफ द बेस्ट हॉन्टेड लोकेशंस इन इंडिया सो फार. मतलब आप वो जगह में एंटर करोगे, वहाँ उस जगह की वाइब ही अलग है, आप ही को पता चल जाएगा यहाँ पर अलग ही है कुछ सीन. अच्छा, सुंदर, जितनी सुंदर है उतनी ही वो डार्क भी है, स्कैरी है. कुछ ऐसी हिस्ट्री रही है उसकी? हिस्ट्री ऐसा कुछ तो डार्क नहीं है. जनरली हिस्ट्री वहाँ की यह है कि जब ब्रिटिशर्स लोगों ने अभी ब्रिटिशर लोगों ने सारे पहाड़ों पे कैप्चर करके रखा हुआ था, उन सबको चाहिए था कि अच्छा व्यू के साथ घर वर बनाए, तो उन्होंने कुछ तो बनाया. लेकिन बहुत सारे ऑफ दीज हमारे जो पारसी लोग जो हैं वो भी जाके अपना घर वर वहाँ पर बनाए. लेकिन कुछ फैमिलीज ऐसी थी जो कि 100 साल पहले 150 ईयर्स अगो ऐसा घर बना दिया, लेकिन कभी वहाँ पे रहे नहीं, और रहे भी थे तो कुछ साल रहे, फिर अगर उनका देहांत हो गया तो दे नो वन टुक ओवर द प्रॉपर्टीज, तो नाउ दे लाइक अबैंडन्ड. एंड यहाँ पे खाली वो ना बोलते हैं खाली दिमाग शैतान का घर, वैसा है. खाली जगह दिखी और लोग पहुँच गए क्राइम करने के लिए, इलीगल काम करने के लिए. और माथेरान में जो कांड होते हैं वो आर सम द क्रीपीएस्ट कांड्स आप पढ़ोगे महाराष्ट्र में, इंडिया में. जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम जब पहली बार गए थे माथेरान, हम 6-7 बार जा चुके हैं, इतने अच्छे अच्छे लोकेशंस हैं वहाँ पे. हम जब पहली बार गए थे वो हम जाके आई थिंक चेक इन कर रहे हैं, उसी दिन हमने न्यूज़ पढ़ी कि एक कपल आई थी रहने के लिए माथेरान में, एंड कुछ तो हुआ एंड हस्बैंड ने वाइफ को मार दिया, एंड उसका सर काट के वो लेके जा रहा था घर. सर काट के बॉडी छोड़ दी उसने, जा रहा था, सिर्फ बॉडी रखी हुई थी वहाँ पे होटल पे. एंड द क्रीपीएस्ट पार्ट वाज कि हम जहाँ होटल में थे वहीं पर साइड में, राइट साइड में वहाँ का पुलिस स्टेशन था. पता नहीं कौन सा पुलिस स्टेशन बाहर की तरफ अपना सेल रखता है, लेकिन वो इस इंसान को हमने देखा. कल्प्रिट वाज आउटसाइड, लाइक एवरीवन कैन सी द कल्प्रिट. मतलब हमको बताया लोगे कि वही इंसान है, उसको अभी कस्टडी में रखा हुआ है. एंड आई एम लाइक बाहर क्यों है ये? बोलते नहीं, ये जेल ऐसा ही है, बाहर की तरफ है ये. एंड आप उसको देखोगे नॉर्मल, ही वाज लाइक एन इंजीनियर आई थिंक. या या, ही इज एन इंजीनियर. ऐसा बर्म्यूडास पहन के, टी-शर्ट पहन के, मतलब कोई नहीं बोलेगा कि इसने अभी 2 दिन पहले अपनी वाइफ का सर काट के लेके जा रहा था वो इंसान. और उसको आई थिंक वो कैमरा कैम के थ्रू, सीसीटीवी के थ्रू ही उसको पकड़ा, वो इंसान पकड़ा गया. ओके, नहीं तो पकड़ा भी नहीं गया होता, बट वो सर लेके गया घर तक गया वो पूरा. अच्छा, फिर उसे पकड़ के वापस लाया. ओके, सो माथेरान की कहानियां ही ऐसी हैं. सो अभी जब खाली मिल जाता है, एंड कैसा है ना, बिकॉज इट्स अ वेरी क्लोज निटेड कम्युनिटी वहाँ पे, तो वॉट एवर हैपन्स इन माथेरान स्टेज इन माथेरान दैट वे. क्योंकि अगर 30% लोग जो रहते हैं आर वहाँ के नेटिव, द रेस्ट 70% आर टूरिस्ट जो जाते हैं आ जाते हैं, जाते हैं आ जाते हैं, कोई रहता नहीं है वहाँ पे. एंड गर्मी में इट्स टू हॉट, यू कैन नॉट हैंडल, सो ओनली विंटर्स आर ग्रेट. एंड बारिश में तो यू ओनली फॉल, क्योंकि इतना स्लिपरी हो जाता है वहाँ पे. एनीवेज, हम लोग माथेरान पे बहुत सारे घर जाके हम लोग इन्वेस्टिगेट किया. कौन सा वाला शेयर करें हम लोग? जिमखाना वाला. सो हम अभी क्योंकि हम इतनी बार जा चुके हैं तो वहाँ के जो घोड़े जो चलाते हैं वो हमारे POC बन चुके हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स. सो उनको हमने बोल दिया कि ये हम काम करते हैं, तो उसको कोई घर दिख जाता है तो वो कॉल करता है, भैया मुझे ना ये घर मिला है, कहानियाँ बहुत अच्छी अच्छी हैं, आपको आना है तो आप आ जाओ, आ जाओ, रिकॉर्ड करो. हाँ, रिकॉर्ड करना है कर लो, इन्वेस्टिगेट करना है कर लो. एंड बिकॉज इज अ लोकल तो थोड़ा सा सेफ्टी भी रहता है कि यार ये अपने साथ है करके. तो ऐसे करके लास्ट ईयर की बात है, दिस ईयर की बात है, लास्ट ईयर की बात है, लास्ट ईयर यही सितंबर की बात है, जब हम जाके पहुँचे वहाँ पे, एक जिमखाना था, बड़ा सा जिमखाना. और जिमखाना में बोला कि जिमखाना के सामने देर वॉज अ फील्ड ऑल्सो, एंड बोला कि वहाँ पे बच्चे लोग पहले खेलते थे शाम को सुबह,
बट अब से इंसिडेंसेस इतने ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं जिमखाना के अंदर, विच इज़ अबैंडन्ड, इट्स अ ह्यूज प्रॉपर्टी, ह्यूज सीलिंग, लाइक इट मस्ट बी लाइक अ 15-20 feet सीलिंग, एंड यू नो जैसे जिमखानाज होते थे पहले ज़माने के, इट वॉज एस्टेब्लिश हम 1930s-40s ऐसा के अराउंड में था, अबैंडन्ड हो गया है फिर. एंड बोलता है कि अंदर से किसी फीमेल की चिल्लाने की आवाज़ आती है, लाइक शी इज़ क्राइंग फॉर हेल्प, बहुत ज़ोर से चिल्लाती है. एंड एक लेडी है जो मराठी में कुछ बोलती है लेकिन उनको समझ में नहीं आता, मतलब दिस पीपल डोंट गेट. एंड अगर बॉल गया वहाँ पे तो कोई नहीं जाएगा लेने के लिए. और ऐसा बीच में क्या हुआ कि कोई अगर इस तरह पास भी करता है तो उनको ऐसे लाइट ऑन ऑफ होती दिखती है, जबकि जिमखाने के अंदर कोई लाइट वगैरह है ही नहीं. तो उसके बाद से स्प्रेड हो गया हर जगह कि वो पाथ के थ्रू कोई नहीं जाएगा वहाँ पे, कोई खेलेगा, हॉन्टेड है वो, हॉन्टेड है करके. तो हमने कहा ठीक है, हम जाके पहुँचते हैं. एंड हम जाके देखे तो सब जगह पे पतरा लगा हुआ है वो एंट्रेंस के थ्रू, बट एक एंट्रेंस खाली था. एंड वी एज एन इन्वेस्टिगेटर्स हम लोग ऐसे हैं, इवन दो हमको कंटेंट ना मिले बट वी विल नॉट ओपन समथिंग अप एंड देन गो इन अगर लिखा है कि नहीं खोलना है. फोर्सफुली नहीं करते, फोर्सफुली हम एंटर नहीं करते. अगर है एंट्रेंस तो हम घुसेंगे, क्योंकि हमको पता है लीगली कि ये रास्ता था, आपने बंद नहीं करा था, वो आपकी गलती है. तो हम घुस गए, ऐसा नहीं कि पतरा लगाया उसको तोड़ दो फिर अंदर जाओ, वो हम नहीं करते. तो ये खुला था यहाँ पे, हमने गैप देखा तो हम घुस गए अंदर. एंड आई सेड कि यू नो ये सुबह का टाइम था तो हमने क्या कहा था, पहले सुबह जाते हैं. जनरली व्हेन वी इन्वेस्टिगेट बिग प्लेसेस वी डू अ प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन वेयर वी काइंड ऑफ डू अ रेकी ऑफ द प्लेस, क्योंकि ऐसी जगहों पे कभी कभी गड्ढे होते हैं, सांप होते हैं, कीड़े मकोड़े सब कुछ होते हैं. तो हमको देखना पड़ता है कि कहाँ पे हम रात को आके फोकस करें और कहाँ पे नहीं जाना है. तो हम घुसे एंड मैं सर शॉट ले रहा हूँ, हमारे साथ सैवियो भी हैं, अपना कैमरा गाय भी है, वी हैड वन मोर टीम मेम्बर अक्षय करके हु हैंडल्स द टेक्निकल पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, कैमराज एंड सब कुछ, तो वो भी थे. एंड पूजा को मैंने कहा कि तुम लोग ना रीडिंग ले लो अभी से, क्योंकि शाम को टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं पता. एंड देन पूजा इज टेकिंग रीडिंग्स एंड आई थिंक यू शुड शेयर. वहाँ पे तो सबसे पहले मुझे हुआ बहुत बुरा वाला हेडेक, मतलब इतनी हैवी, इतनी डेंस एनर्जी थी, इतना हेडेक. एंड जैसे इसने बताया ना, इट वाज अ ह्यूज हॉल वो जिमखाना का. तो मैं चल रही थी वहाँ पे सोच के कि ठीक है चलो देखती हूँ क्या है, क्या फील हो रहा है, क्या सेंस हो रहा है, रीडिंग्स लेती हूँ. मैं चल रही हूँ और मैं वापस आ रही हूँ एक एक पर्टिकुलर पाथ में, फिर मैं जा रही हूँ, फिर मैं आ रही हूँ. She was oscillating. मैं मतलब जा रही हूँ, आ रही हूँ. एंड मुझे 10-15-20 मिनट बाद रियलाइज किया कि मैं क्या कर रही हूँ. मीन्स इट वॉज लाइक जैसे कि मैं जोन्ड आउट हूँ और मैं एक स्ट्रेच में, एक पाथ में जा रही हूँ, आ रही हूँ, जा रही हूँ, आ रही हूँ, विदाउट एनी रियलाइजेशन कि मैं क्या कर रही हूँ. मतलब आपको लग रहा है कि कोई और कंट्रोल कर रहा है आपको? तब मुझे कुछ नहीं फील हुआ, लेकिन वो जाने आने के टाइम मुझे मेरा राइट हैंड बहुत जोर का दर्द हुआ. एंड आई वॉज लाइक ये क्या हो रहा है, कि क्योंकि मुझे कुछ पेन नहीं था बॉडी में जब मैं यहाँ पर आई थी, इतना जोर का. देन आई वॉज लाइक नहीं, ये शायद कोई एंटिटी है जिसमें मैं ट्यून कर रही हूँ. तब मैंने रीडिंग्स और लेने की कोशिश की तो मुझे एक फीमेल की प्रेजेंस महसूस हुई. एंड मुझे ये विजन आया कि उस फीमेल को उसके राइट हैंड से खींच के ड्रैग किया गया, इसलिए वो हाथ मेरा पेन हो रहा था. एंड उसके बाद मुझे हुआ सफोकेशन, सफोकेशन, सफोकेशन. आई वॉज लाइक गैस्पिंग फॉर ब्रेथ. तब मुझे ये आया रीडिंग कि यहाँ पर एक नहीं दो लोगों का गला घोंट के स्ट्रैंगुलेट किया गया है, एक को स्ट्रैंगुलेट किया और दूसरा मुझे देखी लटकी हुई बॉडी, कि बॉडी लटक रही है वहाँ पे. मतलब वो जो विजन मुझे इतना ज़्यादा डिस्टर्ब किया ना, मैं पूरी स्नैप आउट हो गई है. एंड आई वॉज लाइक तब मुझे रियलाइज हुआ शिट ये मैं क्या कर रही हूँ. So, you know, I, मतलब came out of that zoned out condition. तो मैंने उसको बताया नहीं, इससे ज़्यादा मुझसे नहीं हो रहा है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा मेरा हाथ भी दुख रहा था, वो स्ट्रैंगुलेशन वाली फीलिंग जो आ रही थी वो आ रही थी, बट वहाँ पर ये फीमेल एंटिटी थी जो कि बहुत ज़्यादा है. एंड बाद में मुझे ना ये सब आवाज़ आती थी, ये सब मुझे नहीं पता था. इसने बाद में बताया कि हाँ बच्चों को फीमेल की चीखने की आवाज़ आती है करके. ओके तो ये था दिन का टाइम. अभी हम लोग का अभी टाइम था कि मतलब हम लोग निकल के जाने वाले थे. निकलते निकलते सैवियो ने नोटिस करा कि अरे आगे देर इज़ अनदर प्रॉपर्टी विच इज़ काइंड ऑफ, मतलब एक सीढ़ी उतर जाओ तो उधर है, जो कि किसी को पता नहीं, मतलब गांव वालों को पता है बट देवर ओनली मैंशन द जिमखाना, नो वन इज मैंशनिंग दैट प्लेस. दिस प्लेस वॉज अ स्कूल और ऐसा बच्चों का हॉस्पिटल जो होता है ना,
वैसा कुछ है, तीन चार रूम रिलेटेड कुछ था। हाँ, बच्चों से रिलेटेड कुछ है, तीन चार ही रूम्स हैं। लेकिन कैसा है ना कि when you are walking down that place, एक तो you see the building and you feel like अच्छा ये तो कोई normal सा abandoned property है, but सामने you will see all these beautiful flowers, you know, बहुत सब वैसे खिले एकदम, and generally अगर आप बहुत अच्छे वाले flowers देखते हो कोई घर के सामने, it's very attractive, it's very welcoming कि अच्छा वो घर बोल रहा है कि अंदर आओ। लेकिन एक abandoned property आपको welcome क्यों करना चाहता है? Makes no sense. And we as an investigator, we have been working in this field for way too long to start just believing कि अरे हाँ यार कितने अच्छे flowers, entities तो मस्त होंगी, अच्छी वाली होंगी वहाँ पे। हमें कहने कुछ तो गड़बड़ है, तो मैं चल के जा रहा हूँ, तो I just noticed, I don't say anything to these people, and then we enter and हम देखते हैं वहाँ पे एक्सरे machines हैं पुराने ज़माने के, सब पड़े हुए हैं ऐसे, सब हॉस्पिटल में जो चीज़ें होती हैं वहाँ पे पड़ा हुआ है, एंड ये लोग साइकी रीडिंग ले रहे हैं, एंड देर वॉज वन मेन रूम जहाँ पे वो एक्सरे था। आई एंटर्ड एंड आई हैड सच अ शार्प हेडेक मेरे सर पे कि वो कैमरा में रिकॉर्ड हुआ कि आई एम जस्ट, मैं सब घुसा हूँ, इतना हुआ मैं सडनली घूम गया वहाँ पे। आई एम लाइक आई कैन नॉट एंटर दिस प्लेस, बट दिस पीपल आर गोइंग इन फाइन, एंड आई एम लाइक यार मैं तो साइकिक भी नहीं हूँ, मैं तो सेंस भी नहीं करता जैसे पूजा और सावियो करते हैं, मैं इतना अफेक्ट क्यों हो रहा हूँ यहाँ पे। बट फिर भी मैंने कहा कि नहीं अंदर जाके देखते हैं, एंड ये दिस पीपल आर टेकिंग देयर रीडिंग्स एंड ऑल। एंड फिर मैं और एक चीज़ नोटिस करता हूँ कि ये एंटर हमने सामने से करा, उसके पीछे की तरफ देयर इज अनदर डोर, वो डोर के बाहर वहाँ पे मच्छर भरे पड़े हैं, जो कि यू नो द मस्ट बी एटलीस्ट व्हाट 30-40 मस्कीटोज एक झुंड में है वो लोग। लेकिन जनरली अगर आप खड़े हो, एंड मस्कीटो का कैसा है ना, इफ दे सेंस वार्मथ इन योर बॉडी दे विल गेट अट्रैक्टेड टू यू, इसलिए बहुत लोगों जिनका पसीना बहुत छूटता है उनको मच्छर बहुत काटते हैं, तो अगर उन लोगों को सेंस हुआ कि अच्छा ब्लड है आसपास एंड देयर इज वर्म, दे विल ट्राई टू कम इन एंड वो लोग काटने की कोशिश करेंगे। इधर जो है ये मच्छर, ये घर के अंदर नहीं आ रहे, ये उधर ही घूम रहे हैं, एंड ऐसा नहीं कि नीचे कुछ पड़ा है ऊपर कुछ है, नो देयर इज नथिंग, देयर जस्ट देयर एंड देयर। एंड आई एम लाइक नहीं ये कुछ तो गलत है, देयर इज समथिंग इन डिसगाइज हियर, कुछ तो ये ना हाइड करने की कोशिश कर रहा है थ्रू फ्लावर्स, थ्रू मस्कीटोज, थ्रू ऑल दोज थिंग्स एंड सब कुछ। फिर इन लोगों को मैंने पूछा कि इन लोग का रीडिंग क्या है करके, सावियो बताता है कि ही सॉ अ लेडी जिसको बेंड करके गला काट दिया गया था उसका, यहीं पे इन द सेम प्लेस। What did you sense? I was math बच्चों की energies में tune कर रही। Yeah, she was sensing there lot of बीमार बच्चे और someone जो कुछ भी था वहाँ पे, सबको वो entities वगैरह feel हो रही थी। Then they both of them say कि नहीं यहाँ पे वो सब entities हैं, but शायद अभी उतने strong नहीं है यहाँ पे। You know, main hub is that gymkhana. I said no, I differ here. My feeling says something is, my feeling says कि जो आप लोगों को दिखाया जा रहा है is very limited disguised part of this place, there is something else that's hiding everything. मतलब बाहर से इतना सुंदर करके रखा हुआ है वो चीज़ को ताकि लोगों को अंदर का माल ना पता चले। It's like hiding a murder in plain sight, for example. तो वो घर में flowers हैं, सब कुछ हैं, तो आप बाहर से देखोगे यार मस्त जगह है यहाँ पे तो कुछ होगा नहीं, लेकिन when you go inside, you start investigating, then you figure out, oh shit, it's so freaking dark यहाँ पे। हमने कहा ठीक है अभी आई थिंक वी हैव गॉट इनफ ऑफ दिस रीडिंग, हम सनसेट के बाद हम लोग आएंगे एंड वी विल इन्वेस्टिगेट। एंड आई थिंक अ साइकिक्स, ये एक ऐसी जगह थी जहां पर हम ट्रिक हो गए। yeah. हम ट्रिक हो गए मतलब अच्छा। हमारी रीडिंग्स ट्रिक हो गई। हाँ। अच्छा मतलब आपको भी आपकी को जो दिखा एक्चुअली वो जो कह रहे हैं कि कुछ दिखाया जा रहा था। हाँ, जो हमको वो दिखा जो वो हमें दिखाना चाह रहे थे, रियलिटी छुपा दी गई थी। आगे चलते हैं भाई, शाम में वापस आते हैं आप लोग। शाम को वापस आते हैं, एंड एज इन्वेस्टिगेटर्स लाइक आई से वी ट्राई टू कीप पुशिंग द बाउंड्रीज ऑफ इन्वेस्टिगेशन। हमने कहा एक काम करते हैं, इस बार हमारे पास सीसीटीवी कैमरास हैं, बाहर एक ऐसा पीसीआर रूम बनाते हैं, कंट्रोल रूम, जहाँ पे आई एंड द टेक्निकल गाय अक्षय हमारी टीम के हम लोग मॉनिटर करेंगे सीसीटीवी के थ्रू। पूजा और सावियों को अंदर अकेले भेजते बिना कोई लाइट के, यू नो देखते हैं कि क्या है वहाँ पे, क्योंकि दीज पीपल आर सच सेंसिटिव्स, एंड क्योंकि ये लोगों को इतना कुछ सेंस हो रहा है। मैंने उधर बोला भी पूजा को कि यू आर सेंसिंग सो मच, व्हाट विल हैपन इफ वी जस्ट सेंड यू विदाउट एनी गैजेट, विदाउट एनी लाइट्स, जस्ट टू फील द प्लेस। एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू नो कि अंधेरे में जब इनको सेंसरी कुछ नहीं दिख रहा है,
सिर्फ अंधेरा ही दिख रहा है उनको, और क्या फील हो रहा है और क्या रीडिंग्स आ रही हैं। सो ये लोग अंदर गए एंड हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं, अंदर जाते ही साबिया से इसके पूछा, डू यू सी दिस पर्सन हैंगिंग वहाँ पे? उसने एंड आई एम लाइक आई एम मॉनिटर कर रहा हूँ, मैंने कहा व्हाट, आई डोंट सी एनी पर्सन हैंगिंग वहाँ पे, बट दीज बींग साइकिक्स, उनके साइकिक विजन इतने एनहांस हो गए और अंधेरे में नाउ देर सीइंग अपैरिशंस लटका हुआ वहाँ पे, जो कि वहाँ पे लटका हुआ। तो उसने जैसे ही बोला डू यू सी, पहले मुझे नहीं दिख रहा था, उसने पॉइंट किया, देन आई वाज लाइक शिट दिखा। लेकिन द मोमेंट आई सॉ दैट ना, लाइफ में पहली बार मुझे कोई एंटिटी अपने इतने पास में महसूस हुई, मेरे पीछे खड़ी हुई। मैंने बोला दिख वहाँ लटका हुआ रहा है या रही है, लेकिन वो मेरे पीछे खड़ी है, क्योंकि जैसे कि सांस लेता है ना कोई, एक आपके पीछे खड़े होके, मुझे लिटरली मेरे कान के पास वो महसूस हो रहा था। तो मैंने उसको ये बोला कि सैबियो मेरे पीछे खड़ी है वो। सैबियो ने पीछे देखा मेरे एंड उसने अपनी आँख घुमाई एंड द नेक्स्ट मोमेंट ही सॉ हर स्टैंडिंग राइट इन फ्रंट ऑफ मी, लाइक फ्रैक्शन ऑफ द ज़िप करके, जैसे यहाँ से यहाँ पर, बोलता हाँ बाजू में खड़ी है अब तेरे। इट वॉज द फर्स्ट टाइम आई एम टेलिंग यू कि मुझे वो जो दिखा है, मतलब मेरी फट गई थी उस टाइम। वो उस टाइम पे डरावने थे जो भी वो थी एंटिटी, या फिर वो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में आपको दिख रहा था? It was a dark shadow that we saw, जो कि almost मेरे height की थी, मेरे से थोड़ी छोटी होगी शायद, लेकिन female figure apparition, proper, and वो proper sense हुई मेरे पीछे खड़ी हुई। And वहाँ पे हमने CCTV लगाया था, CCTV अभी आजकल AI वाले आते हैं ना, कि अगर कुछ movement हुआ तो it will notify you कि कुछ movement हुआ करके। एक तो अंदर लगाया था जो इनको कैप्चर कर रहा था, एक लगाया था हमने कॉरिडोर में ताकि बाहर की तरफ से भी हम कवरेज ले पाएं। तो वो बार बार बता रहा कि समथिंग मूव्ड, मैंने कहा कुछ मूव हुआ ही नहीं, हम देख रहे हैं सामने, वो बताया ही जा रहा है कि समथिंग मूव्ड। फिर मैं चल के गया वहाँ पे और चल के जाके मैंने रखा रैमपॉड अपना, जैसे रैमपॉड रखा है मैंने, वो जो बजना चालू किया है वहाँ पे कॉन्स्टेंटली, मतलब आई हैड टू से देम के डू यू गाइस सेंस दिस मच इंटेंसिटी इनसाइड ऑल्सो, क्योंकि बाहर तो रैमपॉड इज गोइंग क्रेजी। फिर ये लोग थोड़ा देर वहाँ पे 15-20 मिनट अंदर घूम के, मैंने कहा कि आप लोग आ जाओ, हम लोग अभी इन्वेस्टिगेट। जब वो आपके सामने खड़ी थी स्पिरिट, उसके बाद कुछ नहीं हुआ रास्ते में? मतलब उसके बाद क्या हुआ जब नहीं, तो वो एंटिटी सेंस हुई हमको, उसके बाद इसका वॉकी टॉकी पे मैसेज आया कि विंडो के पास जाओ, वहाँ पर रैमपॉड पागल हुए जा रहा है विंडो के बाहर। तो हमने वो एरिया छोड़ के हम फिर दूसरे एरिया में चले गए थे। या सो फिर इनको बाहर निकाला हमने एंड हमने कहा कि ठीक है काम करते हैं, विल गो इनसाइड नाउ। बट दिस टाइम द प्लान वॉज के हम लोग एस्टेस करेंगे वो जो स्पिरिट बॉक्स के साथ, बट हम कैरी कर रहे थे टेस्ला कॉइल्स। Now, Tesla coils are basically energy batteries entities के लिए। Tesla coil कैसा होता है ना, it radiates electricity। अच्छा। अगर आप Tesla coil लोगे बड़े वाले, ये size के आते हैं, बड़े भी आते हैं, ये size का भी अगर आप लोगे and वो normal battery के साथ चलते हैं, अगर वो आपने चालू कर दिया, आपने एक bulb पकड़ा उसके बाजू में, तो bulb बिना connect करे ही जलेगा। जल जाएगा। इतनी ionized हो जाती है वो areas। तो जितना ionized होगा, मतलब जो एंटिटीज हैं, जो स्पिरिट्स हैं, उनको उतना ही ज़्यादा एनर्जी मिलेगा टू मैनिफेस्ट। तो हमने क्या करा, हमने कहा पूजा यू सिट ऑन इन द सेंटर एंड आपके अराउंड हम लोग टेस्ला कॉइल्स डाल देंगे, एंड क्योंकि शी इज़ इन एस्ट्रेस में बी शी विल हियर मोर। तो पूजा को हमने बैठा दिया, टेस्ला कॉइल्स हमने डाल दिए, मैंने एक गैजेट पकड़ा एंड कैमरा मेरे पास था, साबियो खड़ा था एंड हमारा कैमरा का खड़ा था, एंड बाहर हमारे टेक्निकल बंदे जो हैं वो बैठे थे। एंड बंदे मतलब नहीं, एक ही इंसान ही बैठा था, उनकी भी जान पे जान थी कि मैं अकेला बैठा हूँ वहाँ पे करके। बट हमने जब इन्वेस्टिगेशन चालू किया, वी डायरेक्टली स्टार्टेड विद एस्टेस एंड स्टार्टेड आस्किंग बेसिक क्वेश्चन के कौन है यहाँ पे, नाम क्या है। एंड जब हमने पूछा नाम क्या है, आई थिंक गॉट द नेम गौरी, नाम आया गौरी करके। नो दैट इज व्हेन यू नो इट इज थिंग्स लाइक दिस व्हेन यू स्टार्ट आस्किंग योर द लॉजिकल साइड ऑफ योर ब्रेन, कि आउट ऑफ ऑल द नेम्स इन द वर्ल्ड You hear a female name coming from a place जहाँ पे female के ऊपर ही readings मिली हैं आपको। तो मैंने कहा कि गौरी अगर आप यहाँ पे हो तो क्या कोई आवाज़ करके निकाल दिखा सकते हो हमको, या फिर गैजेट में बता सकते हो। एंड उसी बीच क्या हुआ, जैसे मैं बता रहा हूँ कि रैमपॉड इज स्टिल गोइंग ऑफ, वो अभी भी बंद नहीं हुआ है, 15-20 मिनट से चालू है वो। मैंने साजियो को कहा कि तू ये ट्राईफील्ड ले एंड आप जाके वहाँ पे खड़े हो जाओ वो कॉर्नर पे जहाँ पे वो बज रहा है, देखते वहाँ पे क्या होता है।
एंड जब हम इन्वेस्टिगेट करते हैं हमारे फोन्स आर ऑल इधर स्विच्ड ऑफ और ऑल अराउंड एयरप्लेन मोड ताकि गैजेट्स पे कुछ मैनिपुलेट ना हो एंड वो चल के जा रहे हैं सैवियो एंड जाके ही स्टैंड्स ना जनरली द गैजेट वी यूज ट्राइफील्ड जिसको हम बोलते हैं वहाँ पे अभी मैं अगर आपको कॉन्टेक्स्ट दूँ तो जो गैजेट्स होते हैं हमारे दे आर ऑल उनका जो बेस रीडिंग है वो जीरो है विच शुड बी EMF शुड बी जीरो एवरीवेयर फॉर आर ह्यूमन माइंड टू फंक्शन प्रॉपरली अगर वो 5 से ज़्यादा हुआ या फिर 10 से ज़्यादा हुआ तो इट कैन अफेक्ट यू इन वे वो आपको ड्रेन कर देगा आपको बहुत टायर्ड लगेगा आपको हेलुसिनेशन होंगे आपको खराब ड्रीम्स आएंगे आपका स्लीपिंग पैटर्न जाएगा तो इसलिए बोलते हैं वाईफाई से दूर रह के सोया करो नहीं तो डेटा ऑफ करके सोया करो दैट्स वॉट इट इज सेड ये जो गैजेट है हमारा जनरली जब एंटिटीज होती हैं वी गेट लाइक अ 5-ish, 7, 3 मतलब अगर 1 भी आ गया ना वो गैजेट में इट्स बड़ी बात फॉर अस कि तो वन आया है एनर्जी है आसपास है करके सैवियो जाके खड़े होते हैं उनको पहला रीडिंग आता है 14 या 15 ओ भाई साहब मैंने कहा ये तो बहुत ज़्यादा है सैवियो इज लाइक डूड आर यू सीइंग दिस मैंने कहा हाँ मैं सुन रहा हूँ एंड पूजा रिप्लाई दिए जा रही हैं कि ये वर्ड आ रहा है वो वर्ड आ रहा है क्योंकि शी इज़ हियरिंग द वर्ड फ्रॉम द एंटिटीज उसी बीच मैंने बोला कि नहीं आप गैजेट पे तो दे रहे हो मुझे इधर आसपास कोई आवाज़ आ रही है तो करके दिखाओ एंड वी हियर अ लाउड थड करके ऊपर कुछ तो गिरा जैसे मैंने बताया ये 15-20 feet का है ऊपर ऐसा कोई पेड़ वेड़ भी नहीं है कि पेड़ से कुछ गिरेगा पेड़ उससे छोटे हैं तो आवाज़ आई कुछ एंड हमारा बाहर जो बंदा बैठा था ही सडन वॉकी टॉकी कि आई हर्ड समथिंग बिंग थ्रोन डिड यू गाइज हियर टू I said yes, हमने सुना अभी मैं ऐसे खड़े होके लाइक इफ पूजा इज सिटिंग हियर सैवियो इज देयर एंड मैं ऐसा कैमरा वहाँ पे खड़ा है तो मैं कैमरा पे फेस करके बात कर रहा हूँ बता रहा हूँ मैं एंड वॉकी टॉकी पे बात कर रहा हूँ उसी बीच मैंने वॉकी टॉकी रखी एंड आई जस्ट फेल्ट लाइक समथिंग जस्ट रैन एंड जब वो जब भागा ना फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड जस्ट फेल्ट लाइक अ लेडी रनिंग उसके कपड़े ऐसे पीछे हैं बिकॉज जो हवे से उड़ता है उसके बाल ऐसे पीछे हैं जो हवे से उड़ने से होता है एंड मैं ऐसे देखा कि अरे गया ऐसा करके एंड इट वेंट टुवर्ड्स सैवियो तो मैं जैसे बोलूँ कि अरे गया करके मैंने ऐसा बोला सैवियो बोलता है सरबा रीडिंग इज 35 नाउ राइट नाउ आई सॉ दिस एंटिटी गोइंग फ्रॉम देयर टू लिटरली ऐसे ग्लाइड होके जाता है ना और मेरे पीछे भी वही थी मेरे ख्याल से क्योंकि मेरे पीछे भी ऐसे जिप करके ग्लाइड होके पूरी वो उस तरफ गई जब सैवियो ने दूसरी तरफ देखा उसको ये सेम एंटिटी थी आई मुझे तो लगा कि मतलब इतना क्विक वो गई एंड ठीक है पहले आपको लगा होगा शायद आपका मन है लेकिन वो रीडिंग दिया उसने जिधर मैंने देखा खत्म हुआ सैवियो जो स्टैंडिंग सर पर ये 32 कैसे गया यहाँ पे सडनली क्रेजी रीडिंग्स थे वहाँ पे एंड इधर इट वॉज बिकॉज ऑफ द टेस्ला कॉइल्स को उसको और भी ज़्यादा एनर्जी मिल रही थी कुछ तो हो रहा था बट थिंग्स आर गेटिंग हीटेड अप बहुत ज़्यादा बट देन जब वी सेंस के एंटिटीज़ को बहुत ज़्यादा रेज में है एंड उनके साथ बुरा हुआ है इसलिए वो रेज में है नॉट बिकॉज के दे आर जस्ट बैड पीपल वी शो थोड़ा सा एम्पथी हम थोड़ा सा उनको काम डाउन करने की कोशिश करते हैं हम थोड़ा बताते हैं कि वी अंडरस्टैंड कि आपके साथ गलती हुई है एंड वी रियली प्रे एंड होप कि ऐसा किसी के साथ भी नहीं हो बट राइट नाउ व्हाट यू आर डूइंग इज नॉट करेक्ट क्योंकि आपके वजह से बच्चों को खेलने नहीं मिल रहा है लोग ये रास्ते से नहीं जा रहे हैं आपको ये अच्छा लग रहा है क्या तो ऐसे बातचीत कराते कराते हमने गौरी जो थी एंटिटी वहाँ पे हमने उनको मनाने की कोशिश करी एंड वी एट द सेम थिंग गोल्डन लाइट एंड ऑल कि अगर आपको जाना है जाओ तो टेक्निकली हमारे हिसाब से गौरी चली गई थी अच्छा बट वहाँ पे सिर्फ गौरी की ही एंटिटी नहीं बहुत एंटिटीज थे वहाँ पे सिर्फ गौरी की एंटिटी गौरी वाज द मोस्ट एक्टिव वहाँ पे ओके और किस तरीके की एंटिटी से ट्यून इन हुए आप और जो मैनिपुलेट कर रही थी कुछ और ही दिखा रही थी वो गौरी कर रही थी वो दूसरी जगह मतलब जैसे दो स्ट्रक्चर्स लगे हुए थे एक स्टेप नीचे यहाँ जिम खाना है आप थोड़ा सा नीचे जाओगे तो वो दूसरा जो बच्चों का एरिया था डॉक्टर व्हाटएवर दैट वाज क्लिनिक या जो भी था वो वहां वो ट्रिक्स्टर एनर्जी तो आप रात को गए थे वहां पर हाँ उसके बाद हम वी वेंट देयर नाउ वहाँ पे हमने जब इन्वेस्टिगेशन चालू करा तो अभी हमको आदत है कि 3-4 घंटे हम इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं वहाँ पे हम प्रिपेयर ही हो रहे थे कि माइक लगाओ ये लगाओ करके सैवियो गॉट सो ड्रेन्ड वहाँ पे बैठे बैठे ही इज लाइक सरबत वो अगर बोलेगा यहाँ पे सोने के लिए मैं सो जाऊँगा यहाँ पे ही गॉट सो ड्रेन्ड एंड ऑन द कैमरा ऑल्सो यू विल सी के ही जस्ट ड्रेन्ड ही हैज लाइक नो आइडिया कि व्हाट ही विल डू उनकी एनर्जी पूरी चली गई है ही नीड्स लॉट ऑफ वाटर फूड एंड सब कुछ एंड इज लाइक ये दिस इज नॉट नॉर्मल ऐसा नहीं होता मैं एंड वी आर लाइक हाँ हमको भी पता है दिस इज नॉट नॉर्मल करके एंड हम बात कर रहे हैं एंड उसी बीच हर एक रूम से
टक 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 आवाज आई जा रही है, लाइक कुछ को ये रूम में गिरा पहले, फिर वो रूम में गिरा पहले, फिर उसके ऊपर कुछ गिरा पहले, चल रहा है कुछ ना कुछ कंटिन्यूअसली आवाज। भाई इस केस में रिएक्ट कैसे करते हैं आप? कोई अगर आम हम तो बोलते हैं रुक जा भाई, आ रहे हैं अभी, बाहर खड़े हैं हम लोग, अंदर तो आने थे बात करने थे, अभी से क्यों शुरू हो जा रहे हैं तू? यू हैव टू एस्टैब्लिश अथॉरिटी वहां पे, नहीं तो वो आप पे ओवरपावर करेंगे, फिर वो हावी हो जाएंगे अगर आप भी वीक पड़ गए तो। एग्जैक्टली, अगर आपने दिखा दिया कि आप डरे हुए हो और अगर आप एक्चुअली डर गए तो फिर वो आपको ओवर, तो एक्चुअली डरते हो आप? हम नहीं डरते बिल्कुल नहीं। आप तीनों में से कोई नहीं डरता, किसी का तो रिएक्शन निकलता होगा। सडनली एक जो फॉर एग्जांपल अभी पूजा या फिर जो सेंसिटिव्स होते हैं हम लोग, तो सडनली कुछ हो गया तो वी जस्ट गेट सरप्राइज्ड के नहीं लग सकती। हम क्या बोलते हैं ना कि डरना ठीक है, मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, डर शुडंट कंट्रोल यू, दैट्स द मेन पार्ट। एंड ऑल्सो अगर आप ऊपर ऊपर से बहुत ऐसे वो अंदर से मन कमजोर है तो वो सेंस, हाँ यस,